मुंबई अंडरवर्ल्ड का रावण। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के रावण कहे जाने वाले अमर नायक की। अमर नायक मुंबई के एक आम परिवार से बिलोंग करता था। उसके पिता सब्जियों का ठेला लगाते थे और उसी से उसका घर चलता था। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से अमर अपने पिता के साथ सब्जी बेचने जाया करता था और वहीं उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जो फिल्मों की टिकट ब्लैक में बेचते थे। और देखते ही देखते अमर नायक काला बाजारी से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ जाता है। अमर अपने दुश्मनों को कोई मामूली मौत नहीं देता था, बल्कि वो उन्हें तड़पा तड़पा के मारने में बिलीव करता था। इसलिए मुंबई पुलिस ने उसका नाम रावण रख दिया था और अंडरवर्ल्ड में भी लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे। समय के साथ अमर नायक ने अपना एक अलग ही गैंग बना लिया था। ये 80 का दशक था। इसके बाद वो दादर के गैंग के साथ जुड़ गया, लेकिन उनके साथ उसकी बनी नहीं। अमर नायक ने कई गैंग्स में अपनी जगह बनाई, लेकिन हर जगह उसकी लड़ाई हो जाती और वो उनसे अलग हो जाता। इसके बाद उसने उस समय के सबसे खतरनाक गुंडे दशरथ रहाने को अपने साथ मिला लिया और दोनों ने साथ मिलकर हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया। अमर नायक एक महत्वाकांक्षी आदमी था। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह दाऊद इब्राहिम से मुलाकात करना चाहता था, इसलिए उसने अरुण गांगुली से अपना हाथ मिला लिया। लेकिन इन दोनों के बीच की दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अमर नायक और अरुण गांगुली के बीच गैंग वॉर शुरू हो जाती है, जिससे इनकी गैंग के कई लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अमर नायक को पकड़ने के लिए विजय सालस्कर ने एक जाल बिछाया और जैसे ही वो मुंबई सेंट्रल पहुंचा, पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। लाश को पहचानने के लिए उसके पिता को बुलाया गया तो उसके पिता ने साफ मना कर दिया कि ये अमर नायक है ही नहीं। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसका बर्थ मार्क देखा तो ये साबित हो गया कि वो अमर नायक ही है। उम्मीद है कि इस बार KGF 3 की कहानी ऐसे ही अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन पर बेस्ड होने वाली है। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा।